बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू होना है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तमाम विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, वे इस बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष का नेता का कहना है कि जो भी विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे हम उसका जवाब देंगे, और वहीं विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, भ्रष्टाचार में सरकार संयुक्त है, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। अब आइए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुनते हैं। साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, उन्हीं से पहले जान लेते हैं कि जो सर्वदलीय बैठक हुई है वो उसमें क्या क्या बिंदु आए हैं और किस चीज को लेकर के ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इनसे ही बात कर लेते हैं। आज सर्वदलीय बैठक हुई, ये परंपरागत बैठक होती है, शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। ये विपक्ष के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र हंगामेदार होगा, उस स्थिति में आप लोग कितने तैयार हैं? चलिए, विपक्ष ने भी सहयोग करने का भरोसा दिया है और उन लोगों का भी मांग था कि शांतिपूर्ण चले। तो आपने जिस तरह से देखा कि देखिए, सदन की शुरुआत की परंपरा है कि माननीय स्पीकर, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष सभी दलीय नेताओं की बैठक बुलाते हैं और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसके बाबत राय मशवरा करते हैं, और ये बहुत अच्छी परंपरा है सदन को चलाने के लिए। और बैठक में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और सभी लोगों ने स्वीकार किया है, चाहे विपक्ष के लोग हैं चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं, सब लोग सदन चलाना चाहते हैं। और सदन में जो विषय लाए जाएंगे, जो नियम के हिसाब से होंगे, जो कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से होंगे, उस पर सरकार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उसका जवाब देगी, माननीय सदस्य को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे और राज्य के जो ज्वलंत सवाल को लेकर माननीय सदस्य आएंगे उसका भी जवाब सदन के अंदर देंगे। तो माननीय सदस्य को संतुष्ट हम लोग करेंगे। अब उनकी इच्छा कि राज्य के ज्वलंत सवालों को उठाते हैं कि नहीं, नियम और कानून के हिसाब से सदन को चलाते हैं कि नहीं, ये तो विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है। सत्ता पक्ष बिल्कुल तैयार है उनके एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए, जो भी प्रश्न लाएंगे उसका सरकार जवाब। आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन चलेगा, उस दौरान भी हम लोग सवाल करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से सवाल करना चाहिए, सदन इसीलिए होता है, विपक्ष सरकार का अंग होता है और सदन जब आहूत की जाती है, बुलाई जाती है, तो जो महत्वपूर्ण राज्य के सवाल हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो भी सदन में उठाए जाते हैं और उसके उठाने के लिए अलग अलग फोरम है, अलग अलग नियम बने हुए हैं, उसके हिसाब से माननीय सदस्य जिन विषयों को उठाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ये परंपरा है और सत्र शुरू होने के पहले हमेशा सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है, कुछ चीज़ें तय होती हैं और तय की गई चीज़ों का उल्लंघन ना हो यह प्रयास तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उल्लंघन नियमावली के तहत हो नहीं पाता। जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार चले, प्रश्नों का जवाब दे, दाएं बाएं नहीं देखे। यह प्रश्न भी जनता के होते हैं, जनता के हित के होते हैं, बिहार के हित के होते हैं, और जिस तरह का कुशासन या प्रशासन उसके बारे में अगर हम लोग कहते हैं तो उसको गंभीरता से जवाब दिया जाए। तो सरकार ने आज तो कहा है, सरकार के पक्ष के जो नेता थे सबने ये कहा कि नहीं, हम लोग तो चाहते ही हैं कि आप लोग जो प्रश्न लाएं उसको हम गंभीरता से लें, ख़ास तौर पे अधिकारियों का भ्रष्टाचार, ब्लॉक्स लेके जिला, जिला से लेके सचिवालय का भ्रष्टाचार है, दूसरा मुद्दा जो है वो अपराध का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, जो भी प्रश्न है वो उठाया जाए। तो किन कारणों से सरकार को ही जवाब देना होता है ना, तो सरकार कई बार ऐसा होता है कि वो जवाब जो उसको देना चाहिए, जो हम महसूस करते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि ये सड़क, इस सड़क पे अनियमितता बढ़ती गई है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, बिजली सड़क की बहुत बड़ी समस्या भी है, तो उस पर सही माने में ध्यान दें, टहलाने का काम करती है, अच्छा देख लेंगे, अच्छा कर लेंगे,
कोई आश्वासन नहीं देती है। कभी हम लोग कहते हैं कि विधानसभा के कोई प्रतिनिधि मंडल चला जाए, इन कारणों को देख ले, वो आज तक नहीं हो पाता है। तो आखिर किस तरह से आप दबाव बनाइएगा कि ये सुशासन की सरकार है, वो अच्छा भी दिखे। अभी तो पुल पुलिया गिर रहा है और गिरेगा, अधिकारियों के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो ये कोई आसान बात तो नहीं हो रही ना बिहार में। तो इन सब को लेकर के प्रश्न उठेगा ही उठेगा, और हम चाहेंगे कि सरकार उसको बहुत ही संजीदगी के साथ मुस्कुरा करके, इसे अध्यक्ष जी ने कहा कि मुस्कुरा के हम लोग रहें, ज़रूर मुस्कुरा के रहेंगे, लेकिन जवाब तो दुखी हो करके अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो जवाब मुस्कुरा के ज़रूर दें, लेकिन वह जवाब दें जो एक ज़रूरी जवाब है। आज समीक्षा बैठक की, आज नीतीश कुमार जी ने अपराध को लेकर के DGP सारे जिले के जिलाधिकारी SP सारे पुलिस आला अधिकारी को साथ उन्होंने समीक्षा की है। रूटीन बैठक है उनकी, नहीं अपराध को लेकर विशेष रूप से ये ऐसा रूटीन बैठक तो माननीय मुख्यमंत्री जी 17 साल से कर रहे हैं, लगभग जब से मुख्यमंत्री हैं तो ये रूटीन बैठक करते हैं। लेकिन देखना ये है कि बिहार दूसरे राज्यों के तुलना में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ कि नहीं हुआ, बिहार के नौजवानों का पलायन किन कारणों से नहीं रुका, बिहार में जितना पूंजी निवेश लगना चाहिए उतना पूंजी बिहार खुद पैदा कर पाया कि नहीं कर पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिहार ने अपने पैसे से किया कि उधार के लिए हुए पैसे से किया, ये सब तो समीक्षा हमेशा करते रहते हैं। हम लोग ज़मीन पर भी चीज़ों को देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। देख लीजिए, विपक्ष की भूमिका सीधे सीधे जनता की आवाज़ को सदन में बुलंद करना है, और वर्तमान में जो समस्या है राज्य सहित देश के युवाओं के लिए, जिस तरह नीट नेट में जो धांधली हुआ है, इस तरह के तमाम मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। अपराध को लेकर भी लगातार आप लोग सवाल करेंगे, वो तो मतलब है ही अपराध, तो जैसे तथाकथित लोग जो शासन सत्ता में बने हुए हैं ये लोग सुशासन की सरकार की दुहाई देते हैं और लगातार इस राज्य में अपराधी घटनाएं घट रही है। जिस तरह आपने आए दिन देखा, पिछले 4-5 दिन पहले VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या हुई, ये सरकार के लिए मतलब सबसे बड़ी चुनौती है। इस सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए, और अपने आप को जिस तरह सुशासन की सरकार की संज्ञा लोग देता है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग सदन में रहेंगे। अपराध, विकास और पेपर लीक मामला, सारा मामला को लेकर के हम लोग सदन में रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं तमाम अधिकारी। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी तो मतलब नाम के समीक्षा बैठक करते हैं, बैठक तो उनके अधिकारी लोग ही करते हैं। अब तो देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी की जो हालत है, इसलिए हम लोगों की जो भूमिका सदन में होगी वो मतलब युवाओं के विकास से लेकर के रोजगार से लेकर के अपराध, और अभी जो हालत है बिहार में, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन में खड़े रहेंगे। गरम हम लोग का है, ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं आप। जो प्रदेश का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिस तरह से अरबों अरब रुपये का नुकसान हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, सरकार का इकबाल गिर रही है, और अपराध जिस तरह से बेलगाम बेतहाशा है, अपराधियों के दिल में कोई खौफ नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ तक है कि जिन अधिकारियों पर FIR है, जिन पर FIR है और FIR होने के बावजूद भी उनको पनिशमेंट नहीं दे करके, उनकी जांच पड़ताल नहीं करके उन्हें प्रमोशन दिया जाता है, तो ये मुद्दे जब उठेंगे तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, और अध्यक्ष महोदय को सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक रवैया बिहार की जनता के प्रति देना रखना होगा। तो हम लोग चाहते हैं शांति से सरकार चले, और अपराधियों को प्रमोशन दीजिएगा, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देंगे तो जन आंदोलन का सहारा तो हमें लेना पड़ेगा, और वो आंदोलन बिहार विधानसभा के पटल से ही शुरू होगा।
विपक्ष का मुद्दा क्या है, इस बार किस चीज़ को लेकर के आप लोग बात रखेंगे, चूँकि आप सशक्त विपक्ष होता है, आम जनता की आवाज़ भी। अपराध का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दे का जवाब सरकार नहीं देगी तो बिहार विधानसभा के पटल से इसे आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा और 14 करोड़ बिहार की जनता को सरकार को जवाब देना होगा। अपराध को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने हाई लेवल समीक्षा बैठक, अरे समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कारगर उपाय कीजिए आप। अपराधियों के दिल में खौफ पैदा हो इसे नोटबंदी बंद कीजिए। कितने पुल गिर गए, क्यों गिर गए? 150 साल का पुल अभी कुछ नहीं हुआ है। आपने दोस्ती बना के रखी है पूंजीपतियों से, ठेकेदारों से, संवेदकों से। कड़ा कानून, कठोर कानून होना चाहिए, लाइफ टर्म सजा होना चाहिए इन लोगों को, नहीं तो जोरदार आंदोलन बिहार में होगा और इनको मुंह दिखाने का जगह नहीं बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।